हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हर्षवर्धन। वेलकम टू माय चैनल इथिकल हर्ष। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में क्या सीखेंगे, फाइंड कमांड के बारे में। फाइंड कमांड के बारे में हम पहले भी वीडियो में सीख चुके हैं। इसमें हम फाइंड कमांड ऑपरेटर्स के साथ कैसे यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो ऑपरेटर्स के साथ हम कैसे यूज़ करते हैं, ऑपरेटर्स हमारे तीन तरह के होते हैं, एंड और एंड नॉट। जैसे कि हमारे गेट होते हैं, ऐसे ही ये ऑपरेटर्स होते हैं जिससे जिसके साथ हम कंबाइन करके फाइंड कमांड को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको और जैसे और ओ, पहले और आपको एक काम करता हूँ, पहले मैं एंड ऑपरेटर के बारे में समझाता हूँ कि एंड ऑपरेटर क्या होता क्या है एग्जैक्टली, और इससे हम कैसे यूज़ करते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल करूँगा, तो एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगा कि हो क्या रहा है। तो सबसे पहले फाइंड मैं करता हूँ, और मैं यहाँ पे क्या डालूंगा, यहाँ पे डॉट डाल रहा हूँ। डॉट मीन्स कि इसी के अंडर डायरेक्टरी में मैं हूँ, इसी के अंदर सर्च करे। और हाइफन नेम, हाइफन नेम मीन्स कि नेम होना चाहिए ये, उसको मैंने क्वोट कर दिया। और यहाँ पे कर दिया डॉट टी एक्स टी, मीन्स उसके लास्ट में एक्सटेंशन जो उसकी होनी चाहिए वो टी एक्स टी होनी चाहिए, मतलब लास्ट में टी एक्स टी होना चाहिए। और मैं यहाँ पे एंड गेट यूज़ करूँगा, तो हम उसको हाइफन एंड गेट से यूज़, मतलब एंड ऑपरेटर यूज़ करूँगा तो हाइफन एंड से हम यूज़ करते हैं। और यहाँ पे जब टाइप मैं डी डालूँगा तो इसका मतलब क्या होगा, आपको ये कमांड को समझना होगा कि ये कमांड कह क्या रही है। आपको गाइज यहाँ तक तो समझ आ ही गया होगा कि नेम सर्च करना है ऐसा। आपको नहीं समझ आया तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा कि कैसे आप बेसिक हम फाइंड कमांड को कैसे यूज़ करते हैं, बेसिक यूज़ कैसे लेके आते हैं। अब यहाँ पे आ गया एंड ऑपरेटर। तो ये चीज़ हमें समझनी है, ये चीज़ इसलिए समझनी है क्योंकि जो एंड ऑपरेटर है ये क्या करेगा, ये इस कमांड को तभी इस कमांड को एग्जीक्यूट करेगा और इसको इसको भी एग्जीक्यूट करेगा, दोनों को एग्जीक्यूट करेगा, दोनों को मिला के मैच करेगा, जो आएगा वो हमें आउटपुट दे देगा। ऐसा नहीं है इसकी हमें अलग आउटपुट देगा और इसकी हमें अलग देगा, नहीं, ये दोनों को मिलाएगा, इन दोनों चीज़ों को दोनों को मैच करेगा कि वो टी एक्स टी डॉट टी एक्स टी क्या होना चाहिए, उसका नाम होना चाहिए। और टाइप डी मीन्स उसका टाइप क्या है, वो डायरेक्टरी होनी चाहिए। मतलब कि आप इसको ध्यान से समझें थोड़ा दिमाग यूज करके, कि जो डॉट टी एक्स टी है वो तो होना चाहिए नेम में, मीन्स डॉट टी एक्स टी तो नेम होना चाहिए भाई कुछ भी हमें करके। लेकिन एंड ऑपरेटर ने क्या कहा कि ये भी जरूर होना चाहिए कि जो टाइप डी मीन्स वो डायरेक्टरी होनी चाहिए, वो एक फाइल ना हो, वो एक करेक्टर डिवाइस ना हो, वो डायरेक्टरी हो और उसका नाम ये होना चाहिए। तो ठीक है, अब हम इस कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो ऐसा उसको कुछ मिला ही नहीं कि डॉट टी एक्स टी तो होना चाहिए उसका एक्सटेंशन में और टाइप होनी चाहिए डायरेक्टरी, ऐसा उसको कुछ नहीं मिला। लेकिन मैं अगर इसमें फाइल एफ यूज़ करूँगा तो क्या होगा, तो उसको मिल गई। ऐसी फाइल्स हैं जो कि टाइप उसका फाइल है और नेम जो है वो डॉट टी एक्स टी लास्ट में होना चाहिए। तो लास्ट में आप देख रहे हैं डॉट टी एक्स टी है, बाकी आगे कुछ भी हो कितना भी हो वो एस्ट्रिक हमने लगा दिया कि कुछ भी हो कितने भी हो, या अपर केस हो लोअर केस हो वो एस्ट्रिक लगा दिया हमने, वो काम कर रहा है। और एंड ऑपरेटर ने आपको ये समझना है कि एंड ऑपरेटर ने क्या किया, इन दोनों को मिला के उसने ये हमें आउटपुट दी है। दोनों को मिलाएगा तो आउटपुट देगा, अगर इनमें से कोई भी एक रॉन्ग हुआ या कोई भी एक एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो वो एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं। जैसे कि हमने डायरेक्टरी वाले केस में किया था, हमने क्या किया, ये कमांड एग्जीक्यूट करी, यहाँ पे डायरेक्टरी डाली और एंटर किया तो कुछ भी नहीं, क्योंकि उसको डॉट टी एक्स उसको यहाँ पे आप देखेंगे तो डॉट टी एक्स टी ये वाली फाइल तो उसको मिल गई होगी जब उसने ये एग्जीक्यूट करी। लेकिन जब उसने एंड ऑपरेटर देखा तो एंड ऑपरेटर ने क्या किया कि डायरेक्टरी भी होनी चाहिए वो, तो उसने देखा कि ये तो फाइल्स में है तो उसने इसको कैंसिल कर दिया। उसने देखा डायरेक्टरी में कोई है, उसको नहीं मिला, तो उसने कोई हमें आउटपुट दी ही नहीं, ब्लैंक आउटपुट दे दी खाली। तो एंड ऑपरेटर क्या कर रहा है, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी जाके आउटपुट मिलेगी। तो यहाँ पे मैं मान लीजिए एल करूँ तो सिंबॉलिक लिंक को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे भी उसने कुछ नहीं दिखाया, वो कहता है ये वाली भी ट्रू होनी चाहिए, ये भी ट्रू होनी चाहिए, दोनों साइड से अगर ट्रू होएगी तो तुम्हें आउटपुट मिल जाएगी, अदरवाइज आउटपुट नहीं देगा वो, कोई भी एक फॉल्स हो गई तो। तो ये एंड का बेसिक सा फंडा था जो आपको समझना था कि ये एंड ने किया कैसे है, एंड ऑपरेटर ने। और गाइज मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ कि होता क्या है जब हम ऐसे लिखते हैं फाइंड और नेम करते हैं हम, मान लीजिए मैं इसी को ही उठा लूँ और यहाँ पे मैं एंड हटा दूँ, ठीक है, एंड हटा के मैंने यहाँ पे एफ लिख दिया, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है गाइस कि यहाँ पे कोई ऑपरेटर यूज़ नहीं हुआ, मीन्स यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा ऑपरेटर यूज़ होगा, एंड,
क्योंकि एक एंड ऐसा ऑपरेटर है जो बाय डिफॉल्ट अगर आप नहीं भी लगाते तो वो बाय डिफॉल्ट यही यूज होगा, वो ऐसा नहीं कि और हो जाएगा नोट हो जाएगा, नहीं, सिर्फ एंड ऑपरेटर बाय डिफॉल्ट यूज होता है अगर आप कोई ऑपरेटर नहीं लगाते। तो इस कमांड को मैं ऐसे भी लिख सकता था, और जब मैं एंटर करूंगा तो उसने, देखिए यहाँ पे मैंने एंड गेट लगा के एंड ऑपरेटर लगाया और यहाँ पे टाइप एफ डाला, यहाँ पे नहीं लगाया और टाइप एफ डाला, तो दोनों की आउटपुट सेम आई, ये भी और ये भी। तो इसमें आपको बेसिक समझ आ गया होगा कि एंड का आपको बेसिक यही समझना है कि ये वाली भी वो रन करेगा और ये भी वो करेगा और दोनों को मैच करेगा तभी आपकी आउटपुट देगा। अगर दोनों में से एक भी फॉल्स हो गई, चाहे ये वाली साइड फॉल्स हो गई या ये वाली साइड फॉल्स हो गई, तो वो कमांड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो पूरी फॉल्स ही कर देगा आउटपुट को। तो मीन्स दोनों साइड की जो हमारी एक्सप्रेशन है वो ट्रू होनी चाहिए। तो हम कुछ और एग्जाम्पल भी देखते हैं एंड के। अब मैं फाइंड करता हूँ, नेम डालता हूँ, ठीक है, नेम क्या होना चाहिए, मान लीजिए मैं कहता हूँ फाइल होना चाहिए और एस्टरिस्क लगा देता हूँ फाइल के आगे कुछ भी हो, और मैं यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज करूंगा। एंड के लिए हम सिंपल ए भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं आपको पूरा एंड लिखना पड़ेगा। और टाइप में क्या करूँ, टाइप में एफ कर दूँ, मीन्स फाइल, मुझे फाइल देखनी है। तो अब आप इस कमांड को अगर आपने देखेंगे तो आपको बड़े आराम से समझ आ जाएगा कि ये हो क्या रहा है। ये हो रहा है फाइंड, अभी देखिए यहाँ पे मैंने कोई भी उसको पाथ नहीं बताया किस पाथ में उसको सर्च करना है, तो बाय डिफॉल्ट कौन से में करेगा वो, बाय डिफॉल्ट जिसमें है हम उसी में करेगा, मींस डॉट वाला, जो डॉट वाला पाथ होता है जिसमें बाय डिफॉल्ट उसी में ही करेगा, मींस यहाँ पे डॉट लगा देता तो भी इसी में, यहाँ पे जिस डायरेक्टरी में हम हैं इसी में ही सर्च करता, और डॉट नहीं भी लगाता तो भी इसी में सर्च करेगा। नेम, अब मैंने नेम क्या मेंशन कर दिया, ये नाम होना चाहिए भाई फाइल का, ठीक है। ए मीन्स एंड ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर ने कहा था फाइल का नाम तो ये होना चाहिए, और लेकिन वो टाइप क्या होनी चाहिए, वो ये भी होनी चाहिए फाइल, मीन्स उसने ये कंडीशन भी देखी, इस साइड वाली और इस साइड वाली, अब दोनों को मैच करेगा तो ही आउटपुट देगा, ठीक है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, वैसे इतना मुश्किल नहीं समझना, बस आप थोड़ा दिमाग लगाएं तो समझ आ जाएगा। अब एंटर जब मैं प्रेस करूंगा तो आप देख रहे हैं मेरे सामने ये कमांड एग्जीक्यूट हो रही है, और मैं इसको वर्ड काउंट करके देख लेता हूँ कितनी आ रही है, तो 2600। मैं इसको स्क्रीन को वो करके दोबारा यहाँ पे करता हूँ, तो आप देख रहे हैं 2600 मेरे पास ऐसी फाइल्स हैं मेरे पास, जिसका नाम, जिसका नेम जो है वो फाइल से वो स्टार्ट हो रहा है, और वो फाइल्स ही हैं, टाइप भी उनका फाइल ही है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें थोड़ी बदलाव लेके आता हूँ, चेंज क्या लेके आता हूँ, मैं टाइप फाइल की जगह मैं डायरेक्टरी कर देता हूँ डी, मीन्स मैं कहता हूँ कि फाइल तो उसका नाम होना चाहिए लेकिन वो टाइप उसका डायरेक्टरी होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि वो फाइल वाली टाइप्स हो या वो करेक्टर डिवाइस हो या वो लिंक हो, वो टाइप डायरेक्टरी होनी चाहिए। डायरेक्टरी दिखाओ मेरे को जिसका नाम फाइल से स्टार्ट हो और एस्ट्रिस्क लगाए, मीन्स आगे कुछ भी हो, ठीक है। तो अब हम इसमें सर्च करते हैं कि ऐसा कुछ है, तो जब एंटर करेंगे तो जीरो, मीन्स उसने उसने दोनों को मैच किया, दोनों मैच, ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं आई कि दोनों मैच हो गई, मींस कि उसको फाइल भी मिली और वो डायरेक्टरी भी हो, फाइल नेम की कोई डायरेक्टरी उसको मिली ही नहीं उसने, इसलिए उसने जीरो दिखा दिया। अब हम इसी कमांड को अगर हम एल से रिप्रेजेंट करें, मींस सिंबॉलिक लिंक, मींस फाइल तो हो और सिंबॉलिक लिंक जरूर होना चाहिए, तो ये तो ऐसा भी कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं मिला। लेकिन अब मैं सर्च में क्या करता हूँ, मैं पाथ चेंज करता हूँ, मैं इसको रूट डाल देता हूँ, तो ऐसा कुछ पूरे रूट में कहीं है, तो है, दो मिल गई, मींस अब मैं इसको दो जरा देखूंगा, तो आप देख रहे हैं कि वो ये चीज है, वो दो, मींस ये दोनों जो है क्या है, ये दोनों एक लिंक है, लिंक है। और फाइल, मैंने कहा था फाइल नेम में होना चाहिए, मींस यहाँ पे आप देख रहे हैं फाइल यहाँ पे भी आ रहा है, फाइल उसके आगे एस्ट्रिक्स लगा है, मींस उसके आगे ये सारा एस्ट्रिक्स में काउंट हो रहा है, मींस कुछ भी हो यहाँ पे भी फाइल है और आगे ये है कुछ भी, तो मतलब ये जो है ये लिंक है और लेकिन नेम जो है इनका फाइल से स्टार्ट हो रहा है। तो अब आपको समझ आ रहा होगा एंड गेट, एंड ऑपरेटर कर क्या रहा है, एंड ऑपरेटर दोनों की, दोनों चीजों की, ये जो दोनों एक्सप्रेस दोनों साइड है ऑपरेटर के, इस साइड भी एक्सप्रेशन वन हो गई फर्स्ट साइड और ये दूसरी सेकेंड साइड, तो ये दोनों साइड को मैच करेगा तो ये आउटपुट देगा, ये एंड ऑपरेटर का बेसिक सा काम है। अब हम इसके बाद सीखेंगे और ऑपरेटर के बारे में, और ऑपरेटर क्या कर रहा है, ठीक है। तो और ऑपरेटर के हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो उससे आपको समझ आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने फाइंड किया और मैं वही नेम यूज करता हूँ और मैं फाइल यूज करता हूँ और एस्टेस लगा के, अब हमें और ऑपरेटर यूज करना है, तो और ऑपरेटर यूज करके मैं सबसे पहले यहाँ पे टाइप डी या एफ डाल देता हूँ, ठीक है। अब आपको ये कमांड पहले समझनी होगी फिर इसके बाद एग्जीक्यूट करेंगे हम।
तो फाइंड यहाँ पे कुछ नहीं डाला, मीन्स इसी डायरेक्टरी के अंदर सर्च करेगा। नेम क्या होना चाहिए, फाइल, ये नेम होना चाहिए। और ऑपरेटर अब क्या करता है कि अगर ये वाली साइड एग्जीक्यूट हो गई तो इसको एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा और ऑपरेटर कहता है। अगर ये वाली साइड एग्जीक्यूट नहीं हुई तो ये वाली एग्जीक्यूट करेगा। तो ये बेसिक सा फंडा है और ऑपरेटर का। तो ये आपको अच्छे से दोबारा समझना पड़ेगा कि ये वाली साइड अगर एग्जीक्यूट हो गई सही से, मतलब इसका रिजल्ट आ रहा है और ऐसी उसको मिल रही है फाइल, तो वो ये वाली एग्जीक्यूट नहीं करेगा। और अगर ये नहीं हुई, फॉल्स हो गई, मतलब नहीं एग्जीक्यूट हो पा रही, ऐसी उसको नहीं मिल रही, तो वो तब ये वाली एग्जीक्यूट करेगा। ये और ऑपरेटर का बेसिक फंडा है गाइस। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो अब आप देखें इस डायरेक्टरी के अंदर तो हैं ऐसी फाइल्स, ठीक है। तो हम डब्ल्यू सी कर लेते हैं इसको, मतलब वर्ड काउंट करते हैं, और जब एंटर प्रेस करेंगे तो 2610। मैं एक बार स्क्रीन वो करके दोबारा से करता हूँ। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे हो क्या रहा है, मतलब कि फाइल उसने देखी और उसमें ये अगर ये एग्जीक्यूट होगी तो ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ऐसा और ऑपरेटर कहता है हमारा और ऑपरेटर, ठीक है। अब इसमें हम और कुछ चेंजेस ला के देखते हैं। जैसे कि मैं चेंजेस लेके आया यहाँ पे, फाइल की जगह मैं डी कर दूँ तो देखिए 2704 हो गई। ऐसा हुआ क्यों, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा ऐसा हुआ क्यों। इसमें हो क्या रहा है गाइज, इसमें ये भी एग्जीक्यूट हो रही है और ये भी एग्जीक्यूट हो रही है, दोनों एग्जीक्यूट हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है ये मैं आपको आगे बताता हूँ। तो हम एक और चीज़ कर लेते हैं, हम क्या करते हैं यहाँ पे एल लिंक वाली भी करके देख लेते हैं। तो लिंक वाली भी आप करके देख लीजिए, तो आपको क्या आ रहा है, दोनों एग्जीक्यूट हो रही है। लिंक हमारे पास एक ही लिंक पड़ा है इसके अंदर, तो वो लिंक भी काउंट हो रहा है, और बाकी फाइल्स हमारे पास 2600 पड़ी है वो फाइल नेम की, तो वो भी हमारी काउंट हो रही है। मीन्स और ऑपरेटर कर क्या रहा है, और ऑपरेटर दोनों को ही काउंट कर रहा है। इसमें ये एक एरर है कि और ऑपरेटर इन दोनों को ही काउंट कर रहा है, वो ऐसा नहीं कर रहा कि ये एग्जीक्यूट हो गई तो फिर इसको नहीं एग्जीक्यूट करेगा, ऐसा फंक्शन नहीं कर रहा। तो गाइज ये होता है पॉस आईएक्स, अगर आपने सुना हो, उस वजह से होता है। मींस एक हम एक स्टैंडर्डाइज करने की एक कंपनी है, IEEE इंस्टीट्यूट है या यूनिवर्सिटी आप कह सकते हैं, ये हम हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड है और ये चीज़ों को स्टैंडर्डाइज करता है। इसने एक चीज़ बनाई पॉस आईएक्स। पॉस आईएक्स क्या करेगा, इसके अंदर इसने लिनक्स या ऑपरेटिंग सिस्टम डालने शुरू करे, और ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको इसने बिल्कुल कह दिया ये तो बिल्कुल सही ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें कोई गलती है ही नहीं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे है, तो उसको इसने कैटेगराइज किस में कर दिया, पॉस आईएक्स में। पॉस एक्स में मतलब कि इसने कह दिया कि जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर है उसमें कोई गलती नहीं है, वो एरर फ्री है 100%, कुछ भी कह लो, मतलब इसने ऐसा बोला। अब जैसे कि मैक ओएस हो गया, मैक ओएस में कुछ भी ये पॉस आईएक्स द्वारा मतलब इसने इसको वो कर दिया कि हाँ इसमें कुछ मैक ओएस में कोई गलती नहीं है, तो ये पॉस आईएक्स यूनिक्स है, मतलब ऐसी है कि ये यूनिक्स है मैक ओएस, जो पॉस आईएक्स मतलब इसमें IEEE ने इसमें इस कैटेगरी में मैक ओएस को डाल दिया। तो लेकिन ऐसा सेंटोस में नहीं है। सेंटोस में क्या है कि इसमें गलतियां होती है, इसमें चीज़ों में गलती है, यूनिक्स जिसने बनाई है तो उसमें गलतियां होती है, ऐसा नहीं बिल्कुल सही बन जाती है। तो ऐसा ही इसमें ये एरर है। लेकिन कायदे से होना क्या चाहिए कि और ऑपरेटर करना क्या चाहिए, ये वाली अगर ये वाली साइड एग्जीक्यूट सही से हो जाती है ट्रू, तो वो इस जगह पे आएगा ही नहीं, वो यही वाली एग्जीक्यूट करके आपको रिजल्ट दिखा देगा। लेकिन अगर ये वाली नहीं होती, मींस कि अगर ये वाली साइड फॉल्स हो जाती है, ऐसी उसको नहीं मिलती, तो वो इस जगह पे आके इसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये और का बेसिक फंडा होता है, तो जो मैंने आपको समझा दिया। लेकिन इसमें दोनों को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे ये आउटपुट आ रही है और यहाँ पे आप एफ डालेंगे तो आपको ये आउटपुट मिलेगी, और यहाँ पे आप डी डालेंगे, मीन्स वो तो दोनों चीज़ों को काउंट कर रहा है, वो यहाँ पे डायरेक्टरी भी काउंट कर रहा है, ये वाली फाइल्स भी काउंट कर रहा है, तो दोनों को काउंट करके यहाँ पे आपको आउटपुट दे रहा है। इसमें भी दोनों को काउंट करके यहाँ पे आपको आउटपुट दे रहा है, इसमें भी दोनों को काउंट करके यहाँ पे आपको आउटपुट दे रहा है। तो ये बेसिक और था जो कि आपने समझ लिया। अब मैं बात करता हूँ नोट ऑपरेटर की। तो नोट ऑपरेटर क्या करता है, तो नोट ऑपरेटर मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने लिखा फाइंड नेम, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या सर्च कर रहा था, फाइल एस्ट्रिस्क, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नोट नोट यूज करता हूँ, और पहले मैं यहाँ पे और
मेरे को ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा, समझाऊंगा क्यों। और मैं यहाँ पे टाइप डी, अब आपको चाहे आप यहाँ पे नोट और ऑपरेटर ना यूज़ करें, तो जब मैं इसको एंटर प्रेस करूँगा तो इस कमांड ने क्या किया आप देखेंगे कि यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा, यहाँ पे क्यों हमने क्यों नहीं डाला ये भी आपको समझ आ गया होगा, नेम पता चल गया होगा कि फाइल हम इस नाम की फाइल हम सर्च करना चाहते हैं, लास्ट में एस्ट्रिक है, ठीक है। एस्ट्रिक होने के बाद यहाँ पे हमने नोट डाला, नोट मीन्स कि वो ये टाइप डी नहीं होना चाहिए, मीन्स वो डायरेक्टरी नहीं होनी चाहिए। डायरेक्टरी छोड़ के आप कुछ भी दिखाओ, फाइल दिखाओ, करेक्टर डिवाइस फाइल दिखाओ, लिंक दिखाओ, और भी जितनी फाइल्स होती हैं हमें ब्लॉक डिवाइस फाइल दिखाओ, मतलब बाकी सब फाइल्स दिखाओ पर वो डायरेक्टरी ना हो। तो नोट ऑपरेटर लगाने का मतलब ये है कि उसके बाद जो भी आप लिखेंगे एक्सप्रेशन वो तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। नोट मीन्स नो, मतलब ये तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि डायरेक्टरी दिखाओ आप। तो फाइल आप मेरे को फाइल नेम का दिखाओ लेकिन वो डायरेक्टरी ना हो, बाकी सब कुछ दिखाओ। अब मैं इसमें एक रिजल्ट फिल्टर करूँ, मान लीजिए मैं कहूँ एफ, मीन्स मुझे फाइल नहीं होनी चाहिए फाइल नेम की, बाकी कुछ भी हो वो दिखाओ, तो ऐसा उसको कुछ मिला ही नहीं। अगर मैं ऐसा, ये तो मैं अभी होम डायरेक्टरी में देख रहा था, अगर मैं यहाँ पे रूट में सर्च करूँ तो ऐसा कुछ है, तो है बिल्कुल। उसने क्या किया, यहाँ पे फाइल है, मीन्स फाइल नेम से फाइल फाइल, आप देखेंगे हर जगह आपको फाइल ही मिलेगा लेकिन फाइल नहीं है। ये सारी क्या होंगी, ये सारी डायरेक्टरीज हैं, ये जितनी भी है सारी आपको डायरेक्टरीज मिलेंगी, ये आपको फाइल नहीं मिलेंगी, आपको सारी डायरेक्टरीज मिलेंगी। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि नोट ऑपरेटर हमारा कर क्या रहा है। और यही मैं नोट के साथ, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे मैंने क्या लगाया था और, अगर मैं यहाँ पे और लगा देता हूँ तो और क्या करेगा, और तो दोनों आउटपुट देता है, तो अब वो देखिए पूरे रूट पे ये दोनों आउटपुट वो देने लग गए। यहाँ पे मुझे बस इसको हटाना पड़ेगा एक बार, क्योंकि अब आप देख रहे हैं ये सारी फाइल्स की आउटपुट दे रहा है, सारी जितनी भी फाइल्स होंगी ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे, अब आप इसको समझेंगे तो क्या कह रहा है कि नेम, यहाँ तक तो आपको समझ आ गया कि फाइल तक वो कर रहा है। और मीन्स अब मैंने आपको बताया इसमें ये एक ड्रॉबैक है कि ये दोनों को ही एग्जीक्यूट करेगा, मीन्स इसको भी करेगा, वो फाइल नेम से सर्च तो करेगा, और मीन्स वो इसको भी करेगा कि जो फाइल ना हो, फाइल ना हो मीन्स नोट लगाया हुआ है, नोट मीन्स फाइल नहीं होनी चाहिए भाई, डायरेक्टरी हो वो दिखाओ, ये है वो दिखाओ, तो ऐसा नोट फाइल ये होनी चाहिए, मीन्स फाइल टाइप फाइल नहीं होना चाहिए, बाकी दिखाओ। तो नोट भी आपको बेसिक बेसिक से समझ आ गया होगा कि नोट में एक्चुअली हो क्या रहा है। यही मैं एंड गेट के साथ करूँ तो, जैसे कि फाइंड किया, मैं यहाँ पे पीरियड डाल देता हूँ कि मीन्स इसी डायरेक्टरी में मुझे सर्च करना है, और नेम में मैं क्या करता हूँ फाइल, फाइल करने के बाद मैं एस्टरिस्क लगा देता हूँ, और यहाँ पे मैं एंड गेट यूज़ करता हूँ, और मैं उसके साथ नॉट यूज़ करता हूँ, और मैं टाइप बताता हूँ एफ। अब इसमें आप देखेंगे क्या होगा, इसमें आउटपुट नहीं आई, क्यों नहीं आई, क्योंकि एंड ऑपरेटर करता क्या है, ये वाली साइड भी रन करेगा और ये वाली कंडीशन भी रन करेगा, दोनों को मैच करके फिर आउटपुट को देगा, और ऐसी उसको कोई फाइल मिली ही नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या मेंशन किया, फाइल तो नेम होना चाहिए लेकिन वो टाइप फाइल नहीं होनी चाहिए। फाइल ना हो के वो क्या होनी चाहिए, डायरेक्टरी हो, लिंक हो, करेक्टर डिवाइस हो, लेकिन वो फाइल ना हो, वो एफ ना हो मीन्स फाइल ना हो, डायरेक्टरी हो सकती है, लिंक हो सकता है, करेक्टर डिवाइस फाइल्स हो सकती है, ये दोनों को कुछ ऐसी चीज, ऐसी कोई फाइल जो इन दोनों चीज़ों को मैच कर रही हो, मीन्स फाइल नेम भी होना चाहिए और टाइप फाइल भी नहीं होनी चाहिए, मीन्स वो डायरेक्टरी होनी चाहिए, वो लिंक मिल जाए या फिर वो करेक्टर डिवाइस मिल जाए, किस नाम से, फाइल नाम से, तो वो सर्च रिजल्ट पे आ जाएगा। और ऐसा लेकिन हुआ नहीं, तो आप समझ गए होंगे कि नोट ऑपरेटर और एंड ऑपरेटर का बेसिक फंडा और ऑपरेटर का बेसिक फंडा चल क्या रहा है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं दोनों को मतलब एंड गेट और गेट इन सब का थोड़ा मिक्स करके यूज़ करता हूँ मैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने एक कमांड में एग्जीक्यूट करता हूँ फाइंड, यहाँ पे पीरियड डाल देता हूँ, और मैं यहाँ पे नेम मेंशन करता हूँ, नेम में क्या करता हूँ, मान लीजिए मैं टेक्स्ट फाइल सर्च करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं ओ लगा देता हूँ, मीन्स और गेट, समझ गए आप, ठीक है। अब यहाँ पे एक और मैं फाइल सर्च करता हूँ, उसकी कंडीशन क्या डाल देता हूँ, वो जेपीजी होनी चाहिए फाइल। अब मैं एंड कर देता हूँ इनको, एंड ऑपरेटर से, और टाइप में एफ कर देता हूँ,
अब आपको ये बेसिक फंडा समझना पड़ेगा। बेसिक फंडा क्या कह रहा है कि यहाँ पे सर्च करो इस नेम की फाइल या फिर इस नेम की, और हमें पता है ड्रॉबैक होता है तो ये दोनों को सर्च करेगा, लेकिन ये दोनों की क्या कंडीशन होनी चाहिए, दोनों फाइल होनी चाहिए, कुछ भी इसमें से ये मिले, टेक्स्ट मिले, TXT मिले, .jpg मिले, दोनों फाइल टाइप में होनी चाहिए। तो हम सर्च करके देखते हैं, यहाँ पे एंटर करेंगे तो अब आप देख रहे हैं हमें, चलो ये तो मिली नहीं, हमें .txt तो मिल गई यहाँ पे, तो .txt किस में टाइप में, फाइल टाइप में हमें मिल गई, क्योंकि अगर हम डी डाल देंगे तो क्या वो मिलेगी, तो हम ये भी सर्च करके देख लेते हैं कि क्या अगर हम डी डाल देंगे तो क्या हमें मिलेगी। तो हमें यहाँ पे ये भी एग्जीक्यूट होके मिल रही है क्योंकि वो इसके साथ एंड ऑपरेटर यूज हो रहा है, मीन्स .jpg के साथ, ये तो उसको मिल गई .txt। लेकिन फिर यहाँ पे जब वो आए तो उसने देखा कि .jpg और डायरेक्टरी ऐसा कुछ है क्या कॉम्बिनेशन कि .jpg हो और वो डायरेक्टरी हो, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि एक पिक्चर हो, इमेज हो और वो डायरेक्टरी हो, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता ना। तो वो यहाँ पे मार खा गया यहाँ पे, इसलिए इसने एग्जीक्यूट नहीं किया। तो अब हम यहाँ पे मान लीजिए थोड़े चेंज करें, तो हम चेंज क्या करें यहाँ पे, यहाँ पे मैं डी डाल दूँ, यहाँ पे मैं और अगर कर दूँ तो क्या होगा, तो हम देखें तो यहाँ पे डायरेक्टरीज भी मिल गई, मीन्स यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो ये DIR लिखा है, मीन्स ये सारी डायरेक्टरीज भी मिल गई और TXT भी मिल गई। और हम यहाँ अगर हम वापस जाएं, मीन्स हम अपनी कमांड देखें जो हमने एग्जीक्यूट करी थी, वो क्या था, तीनों में और लगा है, मीन्स TXT भी मिलेगी, JPG भी होगी तो ये भी मिल जाएगी, और डायरेक्टरी तीनों होती है, तीनों ही एग्जीक्यूट कर जाएगी। तो आपको और मैं कमांड एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, जैसे फाइंड किया मैंने, ठीक है, नॉट के साथ मैंने कहा नेम, और यहाँ पे मैं करूँ *.txt और टाइप F। अब इसको पहले हमें कमांड को समझना पड़ेगा, यहाँ पे मींस इसी डायरेक्टरी में यूज़ करेगा क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ मेंशन नहीं किया। नॉट नेम मींस कि उसका नाम जो है वो ये नहीं होना चाहिए, नॉट नेम मींस ये नहीं होना चाहिए, और टाइप फाइल होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे एंड होता है ना, एंड एंड मीन्स अगर ये एग्जीक्यूट करेगी तो ये भी करेगी। तो जब हम इसका एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख रहे हैं सारी फाइल्स इसने शो कर दी हमें, सारी फाइल्स जितनी फाइल्स थी उसने सारी शो कर दी हमें। क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पे उसने कहा कि name.txt नहीं होना चाहिए, बाकी तो कुछ भी नेम हो ना, जरूरी थोड़ी है कि .txt हो, .jpg हो, .file लिखा हो किसी में या कोई भी नाम की हो, बट txt ना हो, और क्या होनी चाहिए, वो फाइल होनी चाहिए। तो उसने ये कंडीशन पे पूरे उसमें रिजल्ट उसने सर्च करके बता दिया। तो हम WC करके भी देखेंगे तो यहाँ पे 2607 उसने टोटल रिजल्ट बताया कि इतने ही हैं इसमें, क्या है इसमें, ऐसी चीज़ है जो .txt से तो शुरू नहीं हो रही या .txt उसमें नहीं आ रहा, लेकिन वो फाइल है ज़रूर है। तो उसने ये चीज़, इसने ये रिजल्ट दिया है। तो आगे हम और कमांड एग्जीक्यूट करते तो और समझ आएगा। अब मैं आपको इसके साथ एक काम करता हूँ, फाइंड मान लीजिए मैं इसमें वो पीरियड लगाया मैंने, ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ब्रैकेट्स यूज़ करता हूँ स्मॉल, तो इसमें क्या करता हूँ नेम, और यहाँ पे मैं एस्टरिस्क लगा के .txt यूज़ करता हूँ, ठीक है। और अब मैं इसी के अंदर ही मुझे टाइप भी तो मेंशन करना पड़ेगा, टाइप क्या होनी चाहिए, फाइल, ठीक है। अब यहाँ पे मैं और ऑपरेटर यूज़ करता हूँ और फिर से टाइप लगाता हूँ डी। अब आपको पहले एग्जीक्यूट करने से पहले समझना पड़ेगा कि ये हो क्या रहा है, फाइंड मीन्स, यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ इस डायरेक्टरी के अंदर मैं देख रहा हूँ, ब्रैकेट लगा दिए, वो मैं आपको समझाऊंगा, पहले ये समझ लो कमांड नेम मीन्स क्या होना चाहिए कि एक्सटेंशन उसकी ये होनी चाहिए, मतलब .txt होनी चाहिए, और टाइप क्या होनी चाहिए, फाइल होनी चाहिए। यहाँ तक आपको समझ आ गया, मतलब कि ये दोनों में एंड ऑपरेटर लगा है, मीन्स ये दोनों तो कंफर्म होने चाहिए, फाइल भी हो और .txt भी हो तो ये वाली चीज़ एग्जीक्यूट करेगी। और मीन्स, या अगर ये चीज़ पूरी नहीं मिलती तो हमें टाइप डी मीन्स डायरेक्टरी मिल जाए। तो अब हमें इसमें एक प्रॉब्लम ये आई कि जो ये ब्रैकेट्स है ना, शेल इसको, मतलब शेल एक्सपेंशन में क्या होता है कि ब्रैकेट्स को वो कुछ और ही मतलब समझता है, तो हमें इसको ये एक फॉरवर्ड स्लैश लगा के हमें क्या करना पड़ता है, सॉरी बैक स्लैश लगा के हमें इसको शेल को रीड करने से बचाना होता है, तो इससे एस्केप हो जाती है, मीन्स इससे शेल इसको इसको समझ ही नहीं पाएगा कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये
ब्रैकेट लगी हुई है, तो इससे क्या होगा, शेल एक्सपेंशन में चीज कोई शेल में चेंज नहीं आएगा। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, तो अब आप देख रहे हैं इसमें वही और वाला जो मैंने आपको कहा था कि दोनों चीज़ें एग्जीक्यूट होगी, और ये वाली भी हो गई और ये वाली भी होगी, क्योंकि इसका ये ड्रॉबैक है कि ये भी एग्जीक्यूट होगी तो ये भी एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि और का ये इसमें ड्रॉबैक है कि, और वैसे बेसिकली और क्या होता है कि अगर ये वाली साइड एग्जीक्यूट हो गई तो इस वाली साइड की ज़रूरत ही नहीं है, और अगर ये वाली फॉल्स हो गई मीन्स एग्जीक्यूट नहीं हो रही, तो ये वाली साइड फिर एग्जीक्यूट रन होना स्टार्ट होगी। तो हमने देखा कि यहाँ पे हमने ये कमांड एग्जीक्यूट करी थी, तो हमारी पूरी एग्जीक्यूट के बाद क्या रिजल्ट आया, और जो हम इस ब्रैकेट में अगर मैं ये कर रहा हूँ यहाँ पे, ये ब्रैकेट मीन्स मैं ग्रुपिंग कर रहा हूँ, इसको ग्रुप में डाल रहा हूँ, तो वो रीड करने के लिए भी बढ़िया होता है कि हाँ हम रीड कर पा रहे हैं, तो उसके लिए भी बढ़िया है कि हमें समझ आ रहा है कि ये ग्रुप करके कैसे एग्जीक्यूट होती है। तो अब मैं कोमा का बताता हूँ, जैसे कि मान लीजिए यही चीज़ है सेम, या मैं कोई जो मैंने लास्ट में मान लीजिए ये मैंने एग्जीक्यूट करी थी, ठीक है, यहाँ पे नोट वगैरह मैं हटा दूँ और यहाँ पे मैं एक कोमा, चलो मैं आपको स्टार्टिंग से एक न्यू कमांड पे कर देता हूँ, जैसे फाइंड मैंने किया और नेम करके मैं क्या करता हूँ, फाइल एस्ट्रेस लगा देता हूँ, यहाँ पे मैं कोमा से सेपरेट कर रहा हूँ दो दो मतलब आप कह सकते हैं एक्सप्रेशंस को, और मैं यहाँ पे हाइफन नेम और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ एस्ट्रेस लगाता हूँ डॉट txt में लिखता हूँ। अब यहाँ पे कोमा से सेपरेट करने का मतलब क्या है, कोमा से सेपरेट करने का मतलब है कि ये भी एग्जीक्यूट होगी और ये भी एग्जीक्यूट होगी, लेकिन रिजल्ट हमें पीछे जो लास्ट में होगा ना उसी का रिजल्ट मिलेगा हमें। तो ठीक है, अब हम करके देखते हैं, जब मैंने एंटर प्रेस किया तो आप देख रहे हैं कि एग्जीक्यूट तो ये भी हुई होगी, उसको मिली होंगी फाइल्स भी, लेकिन रिजल्ट हमें कौन सा मिलेगा, डॉट txt वाला जो लास्ट में हमारा जो हमने एक्सप्रेशन डाली है। क्यों ऐसा कोमा कहते हैं, ऐसे कोमा करवाता है इनसे, कि कोमा का मतलब आप समझ गए शेल पे क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं। तो उसने वैल्यू कौन सी दी, लास्ट वाली। अब एक मैं आपको और कमांड एग्जीक्यूट करके दिखाऊं, जैसे कि फाइंड, ठीक है, और मैं यहाँ पे दो ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ और क्या करता हूँ, टाइप मैं करता हूँ एफ और नॉट पर मीन्स परमिशन, फाइल की परमिशन ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नॉट समझ रहे हैं आप, और गेट, और मैंने यहाँ पे यूज़ किया, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ टाइप डी होना चाहिए मींस डायरेक्टरी होनी चाहिए, नॉट परम मींस कि परमिशन जो है वो 0700। अब आपको परमिशंस तो पता ही होगा, नहीं पता तो आप मेरी वीडियोस में आप देख सकते हैं, मैंने परमिशंस डॉक्टर परमिशन बहुत अच्छे से समझा रखा है मैंने आपको, तो उसमें आपको बहुत आराम से समझ आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फाइंड में मैं यहाँ पे एक डॉट भी मेंशन कर देता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो। अब यहाँ पे शेल को एस्केप करने के लिए हमें एक बैक स्लैश यूज़ करना पड़ेगा, एक बैक स्लैश यहाँ यूज़ करना पड़ेगा, एक इस ब्रैकेट से पहले यूज़ करना पड़ेगा और एक इस ब्रैकेट से पहले यूज़ करना पड़ेगा। अब इस कमांड को अगर आप समझेंगे तो वो क्या कह रहे हैं, यहाँ पे फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, टाइप फाइल ढूंढो जिसकी परमिशन 0600 ना हो, मतलब हमें पढ़ा है परमिशंस का 6, ओ सॉरी 6 कह रहा हूँ, 421 हमारी परमिशंस का होता है, मींस रीड राइट एंड एग्जीक्यूट, ये तीन परमिशंस हमारी होती है, 421, 6 मींस 4 + 2 मींस रीड एंड राइट, मींस फाइल पे रीड एंड राइट की परमिशन नहीं होनी चाहिए, बाकी सब होना चाहिए, ऐसा ये कह रहा है, क्योंकि नोट लगा है ना। और यहाँ पे डायरेक्टरी जिसकी परमिशन क्या नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, मीन्स रीड राइट एग्जीक्यूट यूजर को रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन वाली छोड़ के बाकी सारी दिखाओ। तो ये इस कमांड का बेसिक मतलब है। और ऑपरेटर क्या कर रहा है, मैंने आपको बताया और ऑपरेटर तो दोनों को ही दिखा देगा, ऐसी दोनों को ही मैच करो, लेकिन असल में और ऑपरेटर करता क्या है कि अगर ये वाली सही से एग्जीक्यूट हो गई, ये वाली एक्सप्रेशन, तो वो इसको एग्जीक्यूट करना समझता ही नहीं है, लेकिन ये वाली अगर नहीं हुई सही से एग्जीक्यूट मींस कोई एरर है, कोई दिक्कत है, कोई कारण है, या नहीं मिली फाइल, तो वो ये वाली एग्जीक्यूट तब करेगा। लेकिन इसमें तो हमें पता है लिनक्स में तो एरर है, इस वाली लिनक्स में सेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में यहाँ पे क्योंकि POSIX की वजह से, तो ये दोनों ही चीज़ को एग्जीक्यूट कर देगा, तो कहीं ना कहीं एरर हर जगह ही होता है गाइस। तो अब मैं इसको एंटर करके जब एग्जीक्यूट करूँगा तो फाइल वाइल जो भी है सब कुछ आ जाएगा, मेरे को यहाँ पे WC करके मैं करके देख लेता हूँ, तो 2713
हमारे पास आउटपुट है इस कमांड की। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज एंड प्रेस बेल आइकन बटन फॉर न्यू नोटिफिकेशन।